दोस्तों आज ये साइंटिफिक सॉल्यूशन आपका स्वागत है। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि मेरी जिंदगी कामयाब नहीं हो रही, तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला, सक्सेस फॉर्मूला। आप किस उम्र में हो, आप पढ़ाई करते हो, आप कारोबार करते हो या आप नौकरी करते हो, आप इस बात पर गौर कीजिए कि क्या फर्क पड़ता है जब आप आपके पेशे काम कर रहे हो और कोई आपको बुरा कह रहा है, ताना मार रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, तो आप क्या करते हैं। मेरी एक बात आज याद रखिए, ये सारे इवेंट्स हैं, मुसीबत, परेशानियां, ये सब इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स में आप क्या रिस्पॉन्स करते हो ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। सपोज अगर आप फेल हो रहे हो तो आप क्या करोगे, रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स करोगे। दोनों चीजों में फर्क होता है, रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स देने में। रिएक्ट ऐसा होता है कि आपने फौरन कुछ तो भी एक्शन लिया। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि हमने एडिसन का नाम सुना है जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। 1914 में उनके 5 मंजिला बिल्डिंग पे आग लग गई। बच्चा दौड़ के आया कि पापा पापा हमारी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो एडिसन ने क्या कहा कि जा तेरी मम्मी को बुला के लाओ। उनकी जब मिसेस आई एडिसन की, तो वो अपनी मिसेस को बुला के बोल रहे हैं कि देख ऐसी आग तूने कभी देखी है, कितनी प्यारी आग चल रही है। और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं आज 62 या 65 ईयर्स के होते, तो उन्होंने ये रिस्पांस दिया कि मेरे अब तक के जितने भी रिसर्च थे ये 5 मंजिला इमारत के अंदर सब बर्बाद हो गए हैं, लेकिन मैं कल से अपने नए इन्वेंशन, नए रिसर्चर्स फिर से शुरू करूंगा। ये होता है रिस्पांस। और रिएक्ट क्या होता है कि जैसे अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम बहुत सी जगह देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज रिएक्ट। एंड व्हाट आई टोल्ड यू कि जब एडिसन की बिल्डिंग में आग लग रही है तो वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इवेंट्स आपकी लाइफ में बहुत सारे आएंगे दोस्तों, लेकिन आप रिस्पॉन्स क्या करते हो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी में कैसे भी इवेंट्स आए, किसी भी तरीके की परेशानियां आए, तो रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स देना है। और आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे आपका फ्यूचर और आपके बारे में लोगों की मानसिकता आपका रिस्पॉन्स तय करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ में आने वाले इवेंट्स को अच्छे रिस्पॉन्स के साथ स्वागत करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।